वो चोर पकड़ा गया और खजाना खजाना ये गाइस और ये ओ शिट यो घर वाले घर नहीं हमें किसी का डर नहीं लेकिन हम खाएंगे आ जाओ जिस जिसको खाना है हमारे साथ हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आज हम लेके आए हैं ब्लॉग का भी टाइम के बाद गाइस और बहुत डिमांड भी आ रही थी इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस आए हैं यूट्यूब पे भी आ रहे थे सो हमने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए और गाइस 10K का सेलिब्रेशन पेंडिंग है ड्यू टू सम रीज़न वो हम आपको बता देंगे कि क्यों वो थोड़ा पेंडिंग हो गया और गाइस अभी ये सुप्रिया आई थिंक शावर लेने जा रही है और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को और गाइस आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जस्ट वेट एंड वॉच गाइस लास्ट तक देखना और गाइस आपको एक चीज बताने चाहता हूँ कि जल्द ही 20 के भी होने वाले हैं कोई पता नहीं कि 20 और 10 के दोनों की इकट्ठे सेलिब्रेशन हो रहे हैं सो गाइस आज का ब्लॉग अमेजिंग होगा लास्ट तक बने रहना इसमें आपको आज बताने वाला हूँ कि सुप्रिया ने कुछ ऐसी कलाकारी की है ना मतलब मुझे लाइक उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ कर पाएगी है मतलब उम्मीद थी पर इतनी नहीं थी कि यार इसने लाइक एक छोटी सी चीज़ होती है आई मीन खेत से उठाई हुई चीज़ और इसने उसको ऐसे आर्टिस्ट वे में बना लिया लाइक एक यू नो पोर्ट टाइप कुछ मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ऐसे आपको पता नहीं चलेगा क्या कलाकारी की है इस लड़की ने ओके सो ये भी आ गई यहाँ पे हाय सुप्रिया आपकी तारीफ हो रही है बहुत ज़्यादा आपने कुछ ऐसा बना दिया है ऐसी कलाकारी कर दी है मतलब उसके आगे ताजमहल भी फेल होने वाला है आज चलो गाइस मैं दिखाता हूँ ये देखो कलाकारी गाइस ये इसको क्या बोलते हैं गाइस इसको कुछ व्हाट ओके बाजरे का सिट्टा ऑलराइट गाइस बाजरे का सिट्टा कहते हैं इसको और ये इसने बहुत ही अच्छी कलाकारी आई थिंक कौन से कलर में आया था लाइक सुप्रिया स्किनिश ब्राउनिश कलर में थे और इसने लाइक पेंट ओके 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 लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुप्रिया वेल डन आई मीन मैं आपको अच्छे पॉइंट्स देने वाला हूँ एंड गाइस कैसा लग रहा है यहाँ पे देखना अच्छा लग रहा है यार ये मतलब काफ़ी अच्छी कलाकारी करी है इसने नाइस सुप्रिया ये जो तूने कलाकारी की है गाइस इसने जो कलाकारी की है इसको अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए ताजमहल से जबरदस्त कलाकारी करी है इसने इतना भी नहीं ये बनाती रहती है ऐसी चीजें और रियली इसने काफी अच्छा बनाया और इमेजिन करो अपने इस खेत में गई कहीं पे वहां पे इसने उठा लिया कौन से खेत में गई थी मैं नहीं गई थी मम्मा गई हमारे घर के पास थोड़ा लाइक 1-4 किलोमीटर दूर लाइक गए थे वहां पे रास्ते में मम्मा ने देखा कि वहां बड़ा गाड़ी से उतरे उन्होंने उठाया इसका कुछ करेंगे बट मुझे नहीं पता इतनी अच्छी इन्होंने आर्टिस्ट मतलब कलाकारी कर देनी है और मतलब इतना बड़ा ताजमहल से भी ऊपर बना दी चीज ये यार समझ नहीं आ रहा मेरी इंसल्ट हो रही है तारीफ हो रही है ये मैं नहीं समझ पा रही हूं नहीं तारीफ आप बताओ ये तारीफ है कि इंसल्ट है कुछ समझ नहीं आ रहा है तारीफ हो रही है यार तेरी इंसल्ट को यार ताजमहल से कंपेयर कर दिया यार मेरे सिट्टे को आप मैंने खाना भी खाना है ना इंसल्ट करके कहां जाऊंगा सही बात है खाना तो वैसे भी बट आज खाना नहीं मिल रहा मुझे बता दे क्यों नहीं दे रही खाना मुझे यार मैं ना सच्ची बताऊं ये ब्लॉगिंग के लिए नहीं होता है आप लोग हर बार ही मुझे पकड़ लेते हैं जब भी ब्लॉगिंग करते यार मैं खाना तो ऑर्डर से मंगाती हूं और फंस जाती फिर से ज़ोमैटो गाइस देख लो वहीं से मंगा के खाती हूं किसी ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि कोई बात नहीं खाने दो क्या हो गया मैंने कहा भाई देख ले अब तीसरे ब्लॉग बनाया हमने इसमें भी ज़ोमैटो आ रहा है नहीं, नहीं, खाना नहीं मिल रहा देखो ज़ोमैटो का कोई नहीं इसलिए तो नहीं बना कर रही कि मैंने इसकी तारीफ कर दी ओवर तारीफ कर दी ताजमहल से ऊपर इसको अवार्ड दे दिया और ये इसलिए ज़ोमैटो से खाना नहीं दे रही जी मैं थोड़ा बिजी चल रहा है जिस वजह से थोड़ा टाइम मेरे को नहीं मिल पा रहा मान गए तेरी बात ये सच में बिजी चल रही है गाइस जैसे ब्लॉग बनाना था हमें एक दो तीन और काम थे और फिर उस चक्कर में हमने सोचा कि चलो बाहर से मंगवाते हैं खा लेते हैं आज को घर वाले घर नहीं हमें किसी का डर नहीं लेकिन हम कुछ बताएंगे हमें क्या पसंद है हम क्या खाने वाले हैं लंच में और ऑनलाइन क्या मंगाने वाले हैं ऑनलाइन यो कल ही मंगाएंगे होपफुली कुछ मिला चलो ऑर्डर करते हैं ऑर्डर करती है और ये ज़ोमैटो खुल रहा है गाइस ओह फिर से इधर देखना जरा आज क्या मंगाएगी नहीं एम्बैरेस नहीं आज मुझे भी भूख लग रही है मेरा भी दिल कर रहा है बाहर से कुछ मंगा क्या मंगवा रही है मुझे दिखा दो इनमें से क्या मंगाया जाए गाइस आप क्या खाना पसंद करेंगे गाइस आपका अगर दिल करे तो ज़ोमैटो चांप हेल्दी होती है ना उसमें प्रोटीन होता है फाइन तो चांप मंगवा रही है चल तो ऐसे कर चांप मंगवा ले ठीक है गाइस मुझे ना अभी उड़ती उड़ती खबर मिली है कि इसने कोई ना खजाना दुबा के रखा हुआ था और वो खजाना मिल गया है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ खजाना कितना बड़ा खजाना इसने छुपाया है आपको दिखाता हूँ अभी जस्ट वेट वो चोर पकड़ा गया
क्या छुपा रही है यार? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ कौन नहीं, सा खजाना तुमने छुपाया है मुझे बताओ, अभी के अभी जानना है मुझे, कौन सा खजाना छुपाया तुमने यार? कोई खजाना नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ दो दया। क्या है छुपाया इस दरवाजे के पीछे, इस वार्डरोब के पीछे क्या छुपाया है? आज तो पर्दाफाश होगा, जो मर्जी हो जाए मुझे नहीं पता। अरे बस कर दिखा दे यार, क्या है मतलब इतना क्या है यार? कुछ भी नहीं है वो, मैंने दिखा दे। अरे एक्चुअली कब से ढूंढ रही थी, कब से। तू मुझे दिखा, बोल के नहीं दिखाना है, मुझे देख के देखना है, मुझे नहीं पता, दिखा दे। क्या बता रही हूँ, और ये पर्दाफाश हो रहा है, ये यहाँ पे आ रही है, इस बैग में क्या है मुझे दिखाना यार, बैग में दिखा दे, ये खनखन हो रहा है, खजाना खजाना ये गाइस। और ये ओ शिट यार हो रहा है, और ये क्या निकला, ओ ये क्या है सुप्रिया, ये चिल्लर कहाँ से इकट्ठे किए तुमने इतने सारे? कौन से मंदिर से मुझे बता दे, कौन सी शादी में गई थी? गई थी। मंदिर गई भी नहीं, मतलब इतने सारे ये देख यार, मतलब क्या कहाँ से निकाले तुमने इतने सारे चिल्लर यार, कैसे मतलब क्या है तुमने मुझे? मैं चिल्लर मैं तभी बोलूं जब भी मैं बाजार से आता था, कुछ मेरे पास चिल्लर बचते थे तो ये मतलब मैं सुबह देखता यार, मैंने यार मतलब वहाँ से कोई चीज़ खरीदी थी और वहाँ से पैसे बचे थे तो गए किधर, मुझे नहीं पता, यहाँ पे ये छोड़ बैठा हुआ है ये सारे चिल्लर इकट्ठे करके। मतलब कैसे, मतलब तुम्हें शौक है इस चीज़ का यार? एक्चुअली ना मेरे को कॉइन कलेक्शन का बड़ा शौक है, तो मेरे को जब भी कहीं कॉइन दिखता है घर पे तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ मैं उठा के उसको एक जगह इकट्ठा करके, मेरे को मिल नहीं रहे थे एक्चुअली भाई साहब, कब के इकट्ठे कर रखे हैं, मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मेरे को आज ही सुबह ही कुछ सफाई करते टाइम मिला मेरा बैग और उसमें इतने सारे निकल रहे थे। वाओ इंडियन करेंसी का शौक है मेरे को, हर किसी करेंसी के कॉइन्स इकट्ठे करना। ये कौन सा है? ये टर्की के कॉइन्स है ना। ओ इट्स सेम, मुझे वहां के दिखाना जरा, एक मेरे पास और पड़ा होगा, ये मुझे लगता है ये सिंगापुर का। अरे ये जब वो हम गए थे उधर मम्मा पापा वहां से मिले ना ये? हाँ ये सिंगापुर का है मेरे पास ना। ओके सो गाइस ये देखो, ये सिंगापुर के मंदिर से उठाए हैं। ये लड़की ने ना आज तहलका मचा दिया है, इतने सारे चिल्लर ये देखो। मतलब इवन कि आप देखो, अब मुझे लग रहा है कि इसने जोमेटो में ऑर्डर जो करना है ना यहीं से करेगी। ओके सो यार मैं ना एक्चुअली पहले चाम्प वाम्प खाता कम था, बट अभी मुझे इसका टेस्ट पड़ गया है, एंड सुप्रिया ऑल्सो मतलब इसको भी पसंद आता है। सो अब देख सकते हैं इसके चेहरे पे खुशी, देखो गाइस कितनी खुशी, इतनी खुशी। वो ओके सो ये कौन सी मंगवाई तूने यार? ये मैंने पुदीना मंगवाई आज। अच्छा ये मैंने खाई है पहले कभी? तुमने खाई है पहले? yes. चलो गाइस अब हम खाएंगे, आ जाओ जिस जिसको खाना है हमारे साथ। पुदीना चाँप, और साथ में क्या लिया है तुमने? नान मंगवाए हैं। ऑलराइट गाइस तो हम ये खाएंगे, मुँह में अभी से मेरे ना पानी आ रहा है, सच्ची बोल रहा हूँ। आई मीन इसकी फ्रेगनेंस, आ हा गाइस आपको आपको मतलब सुंगाई दे रही है, सुंगाई दे रही है। क्या बोलते हैं इसको, आपको स्मेल मतलब फ्रेगनेंस आ रही है इसकी, सुंगाई सुंगाइज ये है, अच्छा लग रहा है दिखने में तो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई मीन यार मेरे ना सच में मुँह में पानी आ रहा है। सो गाइस अब हम खाएंगे, हम कोई गाइज हम भी लाइक सिंपल जैसे खाना खाते हैं वैसे ही खा रहे हैं, कोई स्पेशल हम कोई यू नो कुछ सोचते होंगे हम कैसे खाना खाते हैं, हम सिंपल ही खाते हैं। मैंने लंच कर लिया है और अब मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, और सुप्रिया ने भी मुझे कुछ काम बोले हैं वो कंप्लीट करने हैं, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। हम जस्ट किडिंग, मुझे मार्केट का काम है, फिर आके आपको मिलता हूँ। मैं अभी जस्ट मार्केट गया था, मुझे कुछ काम थे, मैंने वो काम कंप्लीट करे हैं, मेरी मीटिंग्स थी एक दो उसको भी ख़त्म करके जस्ट घर जा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा रहा मेरा लाइक शॉर्ट ट्रिप बाहर का, और मुझे सुप्रिया ने कुछ काम भी बोले थे वो भी कंप्लीट कर रहे हैं, और आज मैं काफ़ी टाइम से घर पे ही था लेकिन सोचा अभी थोड़े काम कंप्लीट कर लूँ, और सो दैट मैं फ्री होके फिर से अपनी वीडियो कंप्लीट कर लूँ, और बाकी की वीडियो घर जाके कंप्लीट करते हैं गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कहीं गाड़ी ठुक ना जाए। सो वेलकम बैक टू आवर होम, मैं फाइनली घर आ गया हूँ, और अंदर चलते हैं, कुछ अंदर जाके बातें करते हैं आप सबके साथ, चलो चलते हैं गाइस। एंड गाइस आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, मैं तो भूल ही गया यार, ये घर में हमने ना ये लगाया है एक पेड़ लगाया, पेड़ आई मीन बाहर था ये, आई थिंक इसको बोलते हैं सुप्रिया क्या बोलते हैं इसको? इसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं गाइस, एंड मुझे बहुत पसंद है इसको, मैंने बाहर लगाया था
लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, आप बताना ये कैसा लग रहा है, लाइक अच्छा लग रहा है ना? तो आई थॉट कि ये इंडोर प्लांट है कि नहीं है, बट समवन टोल्ड मी कि ये इंडोर में चल जाता है, सो आई डिसाइडेड कि ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है। सो कोई दिक्कत नहीं, इसको रख के देखते हैं, थोड़ी देर फोटोशूट वगैरह करेंगे और उसके बाद चेंज कर देंगे, यहाँ पे पाम ट्री ले आएंगे हम। आपको सभी को पूछना चाहता हूँ यार, ये वॉल पे मैंने दो फ्रेम्स लगाए हैं, एक तो सुप्रिया ने बनाया है, ये मॉडलिंग वाली मेरी पिक है, और आई एम प्लानिंग कि हम इस वॉल पे ना कुछ एक्साइटिंग कोई चीज़ लगाएं, मतलब एक अट्रैक्ट हो पूरा, लाइक मुझे बहुत अच्छे लगे फ्रेम। गाइज़ आप सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन पे कि यहाँ पे क्या लगाएं सो दैट एक बड़ा कूल व्यू आए, और आई मीन ये वॉल थोड़ी सी भरी भरी और ज़्यादा लग जाए। ये यहाँ पे हमारा एक यू नो वन ऑफ माई फेवरेट आर्ट कह सकते हैं, सीनरी कह सकते हैं, पोस्टर कुछ भी कह सकते हैं, और मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं कुछ सोच रहा हूँ कि फ्रेम्स वगैरह आएँ तो बहुत अच्छे लगेंगे, बाकी आप सजेस्ट करना गाइज़ यहाँ पे क्या अच्छा लगेगा, सो हम ट्राई करेंगे कि आपकी सजेशन को माने और उस चीज़ को अप्लाई। आज मेरा जिम था, मैंने मिस कर दिया, पता नहीं क्या हो रहा है यार मुझे, बट आई मीन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिम जाऊँ। येस्टरडे मैं हिट कर चुका था, चेस्ट लगाई है, चेस्ट के साथ ट्राइसेप लगाया मैंने, आई मीन मेरी वीकली रूटीन मिस हो गई थी तो मैंने फिर डबल मसल लगा लिया, जैक कल मैंने येस्टरडे मैंने लगाया चेस्ट एंड ट्राइसेप, आज था मेरा लैट्स एंड भाई, मैंने आज फिर से छुट्टी कर ली है, और फिर कल लगाऊंगा भी लैट्स और बाइसेप, देन मंडे मेरा शोल्डर आ जाएगा, ट्यूसडे मेरी लेग्स आ जाएंगी, वेडनेसडे मेरा रेस्ट आ जाएगी, थर्सडे मेरे फिर से चेस्ट एंड फ्राइडे लैट्स, एंड सैटरडे को बाइसेप एंड ट्राइसेप। ये मेरी रूटीन है वीकली, मैंने मिस कर दी थी इसलिए डबल मसल लगा रहा था। सो नेक्स्ट आई मीन जैसे कल हिट करूंगा लैट्स एंड बाइसेप, देन मंडे को मैं लगाऊंगा अगेन वही सेम रूटीन। मतलब क्या हो रहा है मुझे यार, जिम मिस कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए वैसे, कभी कभी हो जाता है। सो गाइज आप बताना, आप भी वर्कआउट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या क्या लगाते हो, मंडे को क्या लगाते हो, ट्यूसडे को क्या लगाते हो, मैं देखूंगा यार आप लोग क्या हिट करते हो, माइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सो जिम जाना चाहिए, जिम नहीं जा रहे हो घर पे वर्कआउट करना चाहिए, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए, स्वागत करो इनका तालियों से। सो गाइज आज का यही था हमारा ब्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, एंड गाइज सपोर्ट जरूर किया करो यार, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जोर से बोलो, जोर से YouTube, बोलो, जोर से डू बोलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर सब्सक्राइब चैनल रॉबिन क्रिएशन, रॉबिन क्रिएशन। गाइज बहुत प्यार मिल रहा है हमें, बहुत मजा आ रहा है, सच में बोल रहे हैं यार, हम भी आप सबको बहुत प्यार करते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो गाइज, और लाइक जरूर किया करो हमारी वीडियो को, कोई भी देखते हो लाइक कर दो यार, लाइक के कौन से पैसे लगेंगे, फ्री में हो रहा है, कर दो, हम भी कर देते हैं लोगों की, एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, हम सेलिब्रेशन ब्लॉग या फिर लाइव आके सेलिब्रेट करेंगे, आई मीन 10K वाला, या फिर नेक्स्ट ब्लॉग डेफिनेटली हम आई मीन कुछ सेलिब्रेशन टाइप करने वाले हैं, हम आज घर पे फ्री थे सोचा ब्लॉग बना देते हैं, सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन नहीं की थी, नेक्स्ट वीडियो में हम सेलिब्रेशन करेंगे और आपको साथ यू नो सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे यही बोलना था। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।